गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो प्रॉब्लम्स, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जिसमें डायगोनल की वैल्यू 1 है और अदर एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। और दूसरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जिसमें ऑफ डायगोनल की वैल्यू 1 है और अदर एलिमेंट 0 0 है। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ देखिए। अगर हम रो वाइज इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा रो का इंडेक्स जाएगा 0 से लेकर 2 तक, और कॉलम वाइज भी देखें तो इंडेक्स जाएगा 0 से लेकर 2 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं कि 1, देखिए बच्चों, जब हम इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो इसमें एक चीज़ क्लियर हो गया, जहाँ जहाँ पर आई और जे की वैल्यू बराबर है वहाँ पर 1 आ रहा है, जहाँ जहाँ पर रोज एंड कॉलम के इंडेक्स की वैल्यू इक्वल है वहाँ पर 1 आ रहा है और अदर प्लेस पर 0 आ रहा है। इन मैट्रिक्स ए वी ऑब्जर्व्ड डैट बच्चों, हमने प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद ऑब्जर्व किया तो पता चला कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। व्हेन रो नंबर इक्वल टू कॉलम नंबर डिस्प्ले 1, अदरवाइज डिस्प्ले 0। ओके स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है, रो एंड कॉलम एक बढ़ते जाएंगे और उसी तरह से हमारे, देखिए यहाँ पर 0 रो है तो 0 कॉलम, वहाँ वैल्यू 1 है। अब देखिए सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम बराबर है। इसी तरह थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, यहाँ पर रो एंड कॉलम इंडेक्स की वैल्यू बराबर है, तो ऐसे सिचुएशंस में इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो बच्चों, इसको हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके लिए हमें हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, हैज इंक्लूड stdio.h लिखा। इसके बाद मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में स्टूडेंट्स रोज एंड कॉलम के इंडेक्स को हैंडल करने के लिए आई जे नाम का वेरिएबल लिया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके लिए हमने एक चीज़ और ले लिया, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आई की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक इंक्रीमेंट होगा, और उसी तरह से स्टूडेंट जे की वैल्यू भी 0 से लेकर 2 तक इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमने प्रिंट कराएंगे कंडीशनली इफ आई इक्वल टू जे, प्रिंट कराएंगे 1 कांस्टेंट,
एल्स में स्टूडेंट प्रिंट अप जीरो कांस्टेंट प्रिंट करा रहे हैं। इनर फॉर लूप को क्लोज किया स्टूडेंट्स, इनर फॉर लूप को क्लोज किया। आगे इन क्लोज क्लोजिंग इनर फॉर लूप इसके बाद लाइन चेंज किया स्टूडेंट्स, इनर लूप के बाहर आते हैं इसके लिए लिखा प्रिंट एफ डबल कोट्स में बैकस्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर। इसके बाद क्लोजिंग आउटर फॉर लूप उसके बाद स्टूडेंट्स मेन मेथड को बंद किया। एंड ऑफ मेन मेथड, एंड ऑफ मेन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप बच्चों देखेंगे कि यह जब लूप चलता है जहाँ जहाँ पर और इंडेक्सेस आई एंड रो रो एंड कॉलम की वैल्यू बराबर होगी वहाँ पर वन प्रिंट करेगा, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यही प्रॉपर्टी है। सॉरी, और जहाँ जहाँ पर आई एंड जे रोज एंड कॉलम वैल्यू नॉट इक्वल है वहाँ पर स्टूडेंट जीरो प्रिंट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को आप जब कंपाइल रन कराएंगे स्टूडेंट्स तो आउटपुट ये जो हमारा जो है यही आएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।